98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण, ये कहां है समता का अधिकार? कृपया, अरे तब तो वो 10% में आएंगे, तब फिर कहा 10% में और संख्या कम हो जाएगी, फिर बढ़ाएंगे बहुत, वो जब जवाब दें तो बताइए कि बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। बुधवार का दिन मोदी सरकार के लिए बहुत ऐतिहासिक था, जिसमें केंद्र सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सवर्ण आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन बिल पास कराने में कामयाब हुई। चुनाव से पहले मोदी के इस दांव में विपक्ष फंसकर रह गया और ना चाहते हुए भी इस पर समर्थन देने से इनकार नहीं कर पाया और ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और अमित शाह के बीच ऐसी बहस हुई जिससे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण को सरकार और भी बढ़ा सकती है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रामगोपाल यादव ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए जो पैमाना तय किया है उसमें 98% सवर्ण आ जाते हैं, तो क्या बाकी बचा 40% आरक्षण अमीर सवर्णों के लिए है? जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम इसे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50% आरक्षण पहले से ही सवर्ण लोगों कर रखा है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं मेरिट में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ऊपर होंगे तब भी वो ओबीसी और एससी एसटी में ही रहेंगे। अब जो 50% रह गया है आरक्षण, उसमें से जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इनके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वाले क्राइटेरिया में आएंगे, बहुत बड़ी तादाद है। मेरे ख्याल से ये लगभग 97% होगी। 98 कपिल सिब्बल साहब के अनुसार 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण, ये कहां है समता का अधिकार? अध्यक्ष जी, यही बात सच है। गरीब नहीं, आपने जो आर्थिक क्राइटेरिया दिया उसमें नहीं आ पाएंगे। वो तो माननीय सदस्यों से बड़ा आग्रह है, माननीय प्रोफेसर साहब आप मेरी कृपया शांति बनाए रखें, कृपया सर, कृपया सर। अरे तब तो वो 10% में आएंगे, तब फिर कहा 10% में और संख्या कम हो जाएगी, फिर बढ़ाएंगे बहुत, वो जब जवाब दें तो बताइए कि बढ़ाएंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद ये चर्चा भी जोरों पर है कि अगर जरूरत हुई तो सवर्ण आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। रामगोपाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि बाकी के 40% में सभी वर्ग के मेरिट वाले बच्चे आ सकते हैं, फिर चाहे वो दलित हो या फिर आदिवासी। हालांकि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली और अमित शाह ने उन्हें याद दिला दिया कि वो किस तरह से मुस्लिमों के लिए आरक्षण लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि जो राम गोपाल यादव आज मेरिट का सवाल उठा रहे हैं, क्या मुस्लिम आरक्षण के वक्त मेरिट की संख्या कम नहीं होती? मैंने बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं की, इन्होंने मुझे एड्रेस किया इसलिए मैंने जवाब दिया। अब ये मेरिट्स की बात करें, मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट्स वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे, कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? कौन लाया?
आपको आपको आपका एक मिनट, आपको आपका मैनिफेस्टो याद नहीं है? मैनिफेस्टो याद नहीं है? 2012 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। सुनिए, बहरहाल जो भी हो, लेकिन आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से पूरे महागठबंधन का गणित गड़बड़ा कर रह गया है।